सरमत, सरमत आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? सलमा आपा के घर। ये कोई मामूली बात नहीं है जरी, न जाने वो किस ऐरा गैरा लड़के को पकड़ के ले आ। सरमत ये वक्त मुनासिब नहीं है, अगर आप इस वक्त वहाँ जाएंगे ना तो उनकी नाराजगी में इजाफा हो सकता है, कल सुबह चले जाइएगा। जरीन की बात गलत नहीं है, वैसे भी उन्होंने लड़के को कल बुलाया है, उन्हें मिल तो लेने दो। यही तो मैं नहीं चाहता अम्मा कि वो उस लड़के से मिले। शर्मीन की जिद है, जवान लड़की का मामला है, मिल लेने दो उन्हें। मिल लेने में कोई हर्ज नहीं सरमत, इस तरह से बदर भाई सलमा आपा को भी अंदाजा हो जाएगा कि वो लड़का कैसा है। जरीन सही कह रही है। ठीक, शमी सिर्फ फोन करके पूछो सराना भी है कि नहीं। सारा मैंने कॉल की है, उसका फोन ऑफ जा रहा है, और वैसे भी यहाँ उसका कोई जॉब इंटरव्यू नहीं है कि अगर वो टाइम से जरा ऊपर नीचे हो गया तो चांसेस किसी और को मिल जाए। चांसेस ही तो नहीं है, दुआ करो अम्मी और बाबा को पसंद आ जाए। अगर उनका क्राइटेरिया मेरी खुशी होगा तो जरूर पसंद आएगा। तुम्हारी खुशी के लिए ही उसे यहाँ बुलाया है, और तुम्हें अभी भी डाउट है? इतनी सी बात की तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी कि हम इकट्ठे कहीं नहीं जाएंगे। तुम नहीं जानते अम्मा शर्मीन ने किस तरह भाई को भड़का के मेरे खिलाफ भेजा था। वलीद को तो मैं खुद देख लूंगा, पता नहीं किसकी बातों में आ गया। तुम भाई से कोई बात नहीं करोगे? मैं तो करूंगा, उसने तुम्हें डांटा क्यों? क्योंकि वो मेरे भाई है। देखो हानी, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि कोई हम पे उंगली उठाए। अगर शर्मीन ने कोई ऐसी बात की है तो उस बात का जवाब दिए बगैर मैं भी नहीं रहूंगा। ताकीली अम्मा, अल्लाह अल्लाह करके ये मामला थमा है, अब प्लीज तुम कोई ऐसा स्टेप मत उठाना जिससे बात बढ़ जाए। उसको फोन तो करो, अभी तक आया क्यों नहीं है सोहेल? अम्मी आपको ट्रैफिक का पता ही है। ट्रैफिक का तो उसको भी पता होना चाहिए ना, इंसान को वक्त से काफी पहले निकलना चाहिए। उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। अजीब लापरवाह इंसान, फोन भी ऑफ कर रखा है उसने। अम्मी प्लीज, अगर आपने उससे मिलने से पहले ही राय कायम कर ली तो फिर उसके यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं है। राय तो कायम हो चुकी है शर्मी, जो शख्स खानदानों में फूट की वजह बन जाए उसके लिए अच्छी राय कायम नहीं हो सकती। अम्मी आज इन बातों को प्लीज रहने दी। अगर आपने उसको भी यही एटीट्यूड शो करना है तो मैं उसे मना कर देती हूँ। मना तो उस वक्त करोगी ना जब वो फोन ऑन करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो अब आएगा, घंटा ऊपर हो चुका है जो टाइम दिया था। उसने यकीन दिलाया तो था ना कि वो आएगा। सारा वो मुझसे ज्यादा बेताब था आने के लिए, खुदा खैर करे। ट्राई करूं एक और। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सलमा पप्पो के घर चलो, ताकि मैं शर्मीन को एहसास दिला सकूँ कि हम उसकी तरह छुप छुप के नहीं मिलते। मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। मेरी बात कभी ना मानना तुम, गलत बात होगी तो कभी नहीं मानूंगी। शर्मीन की बात का दुख जितना तुम्हें हुआ उससे ज्यादा मुझे हुआ। यू डिजर्व इट। व्हाट, पागल हो गई हो तुम? इसलिए कि अगर तुम भाई को फोन करके ना बताते तो गुस्से में कभी भाई को ना भड़काते। तुमने उसे टीस किया और उसने तुम्हें, हिसाब बराबर। तुम कितनी आसानी से दूसरों का कसूर माफ कर देती हो। ये हुनर भी तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए, जिंदगी में सुखी रहोगे। इनफैक्ट मुझे जिंदगी में अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और मुझे उसके लिए एक परमानेंट ट्यूटर की जरूरत है। इसके लिए तुम्हें बहुत ओबीडियंट रहना पड़ेगा। कोई शक है मेरी ओबीडियंसी पे? ठीक है तो फिर चेक करके देख लेते। आज के बाद तुम शर्मीन से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे, एंड इट्स एन ऑर्डर। आपका हुक्म सर आंखों पर, टीचर।
तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत की हकीकत। पहले ही कदम पर छोड़कर भाग निकला। मम्मी, हो सकता है उसे कोई मजबूरी हो गई हो, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। धोखा तो उसने तुम्हें दे दिया है शर्मी, लेकिन उसके इस धोखे में तुमने क्या खोया है इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। हो सकता है उसे कहीं जाना पड़ गया। मम्मी, वो जरूर आएगा। बस शर्मी, अब अगर मैंने उसका जिक्र भी सुना तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। मेरी बात तो सुन ले। मर गई तुम्हारी माँ, नाक कटवा दी सारे खानदान में मेरी। शमीन बस करो, मत बहस क्या करो अम्मी के साथ। पहले इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। मैं यकीन क्यों नहीं आ रहा सारा, मुझे पता है वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो बेवफा नहीं है। बेवफा नहीं होता, अपनी वफा साबित कर चुका होता। वो तो मैदान छोड़कर ही भाग गया। मुझे एक बार उससे बात तो कर लेने दो। इन सब ने खुद से ही उसे बेवफा होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। हारी भूल है शर्मी कि वो अब तुमसे बात करेगा। सरमद, सरमद, अरे सरमद कहाँ हो? सरमद मेरी बात सुनो, जल्दी आओ। सरमद, सरमद। क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या हुआ, खैर तो है? अरे भाई, पत्थर का फोन आया था, सलमा की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल ले गए थे वो। इस वक्त कहाँ है वो लोग? अभी तो वो अपने घर आ गई है वापस, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ले चल बेटे जल्दी। अम्मा आप हौसला कीजिए, मैं अभी एक मिनट में आया। अरे मेरे अल्लाह। जरीन अम्मा को देखो जरा। या अल्लाह, या अल्लाह मैं क्या करूं? अम्मी क्या हुआ? अरे जरीन, सलमा की तबीयत बहुत खराब है, बहुत उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अभी अस्पताल से लेकर आया है बदर, वो बता रहा था कि वो गिर गई थी। सरमद, मेरे अल्लाह। सरमद जल्दी करें। मेरे अल्लाह, मेरी सरमद जल्दी आए, जल्दी करें। इतनी सी उम्र, इतनी टेंशन, पता नहीं उसने क्या चीज दिल पे ले ली। बस हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। सरमद आ जाएं जल्दी। चले चले मेरी सलमा। बस अम्मी बस। चले अम्मा। चलो बेटे। अरे आप परेशान ना, आई। सरमद मैं भी चलूं? तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं भाई, तुम सुबह आना। आज भाई मैं तो समझा समझा के थक गया, जो होना था वो हो गया। अब हर बात इस तरह दिल पर ले लोगी तो बीमार पड़ जाओगी, आखिर वही हुआ। पापा, बदर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टेंशन लेने का क्या फायदा। मैं तो शुक्र करती हूँ कि उस मनोज का पहले ही पता चल गया। सारा, शर्मीन कहाँ है? कमरे में, अम्मी ने उसे मना किया है कि मेरे सामने मत आना। पापा बच्ची को इस तरह तो सजा ना दे। बिल्कुल हो गई गलती उससे, वो तो शुक्र है मेरे रब का कि उस लड़के की असलियत पहले ही हमारे सामने आ गई, वरना क्या कर लेते हम। जा बेटा, शर्मीन को बुला कर। नहीं नहीं मैं बुला के लाती हूँ, तुम रहने दो। सर, इस लड़की ने मुझे सबके सामने रुसवा कर दिया। पापा घर की बात है, क्या हो गया? जब हम लोगों ने ये बात महसूस नहीं की तो आप इस बात को दिल पे लगा के क्यों बैठ गई? आज तो जरीन बहुत खुश हो रही होगी, उसी की बददुआएं लगी है मेरी शर्मीन को। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जरीन तो हमारे साथ आना चाह रही थी, अम्मा ने मना किया, सुबह चली जा। मुझे यकीन है उन्होंने हमारी बेटियों के लिए दुआ ही की। मेरी एक बात मानो के सरमद। जी बताइए। मेरी शर्मीन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर दो, मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक मेरी बेटी अपने घर की नहीं हो जाती। आप फिक्र ना करें,
शर्मीन मेरी बेटी है, मैं उसके लिए सही सोचूंगा। बस अब परेशान क्या सोच रहे हैं आप सरमत? कुछ नहीं, मेरा इतना हक तो जरूर है आप पे कि अगर आप किसी उलझन में हो तो मैं जान सकूं। अगर तुम मेरी उलझने बगैर कहे समझ आया करो तो मैं पूछने की जरूरत भी ना पड़े। आप सलमा पापा की वजह से परेशान है ना? अचानक ही उन्हें काफी सारे सपने इकट्ठे मिल गए। पहले शर्मीन का वलीद के लिए इनकार, फिर शर्मीन का झूठ, अब उस लड़के का शर्मीन के लिए इनकार जिसके लिए शर्मीन ने वलीद को रिजेक्ट किया। हाँ, परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो शर्मीन के लिए भी जरूर कोई अच्छा सबब बनेगा। तुम जाओगी ना आज, उन्हें तसल्ली देना, क्लियर करना कि तुम उनसे किसी बात पर नाराज नहीं हो। लेकिन मैं वाकई उनसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ सरमत, कि उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। माँ होने के नाते से उन्होंने शर्मीन की बातों पर एतबार कर लिया। इस बात का एहसास मत दिलाना कि इसमें शर्मीन का कसूर है। आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा सुहेल? ये तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। मगर क्यों? कुछ अंदाजा है तुम्हें कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है? मैं समझती थी कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम इतने बड़े फ्लर्ट हो के मुझे अंदाजा नहीं था। फ्लर्ट नहीं हूँ मैं। तो फिर तुम्हारी बेवा भाई को क्या नाम दो? जो चाहे कहो, बेवफा नहीं हूँ। बस ये कि मैं इस मोहब्बत को निभा नहीं सकता। अगर निभा नहीं सकते थे तो मोहब्बत क्यों की? क्यों मेरी आंखों में वो सब ख्वाब सजाए? मैंने तुम्हारे लिए सबसे बगावत की और तुम बीच रास्ते में मुझे छोड़ रहे हो। मुझे अफसोस है मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सका जो तुम चाहती थी। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती थी। मैंने तुम्हारे लिए उन सबको रिजेक्ट कर दिया जिनके साथ मेरा मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता था। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहती थी, मुझे खुशहाल मुस्तकबिल नहीं चाहिए था। तुम्हारे इन आंसुओं और इन इल्तिजाओं का एक ही जवाब है मेरे पास, इन्हें मेरे लिए जाया नहीं करो। इतने जालिम मत बनो सुहेल। मैंने तुम्हें कहा था मुझे वक्त, मैं अभी बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बोझ बन गई है। मुझे कहीं जाना, देर हो रही है मुझे। Thank you.
तुम्हारे इन आंसुओं और इन इल्तिजाओं का एक ही जवाब है मेरे, इन्हें मेरे लिए जाया नहीं करो। मैंने तुम्हें कहा था मुझे वक्त, मैं अभी बोझ उठाने के काबिल नहीं हूं। वलीद आप ही का बेटा है, माना के वक्ती तौर पर उसको गुस्सा था, लेकिन इस बात से रिश्ते टूट तो नहीं जाते। वो आएगा आपसे मिलने। सलीम, खुदा ने मुझे बेटा नहीं दिया, मगर मैंने वलीद और सैफ को हमेशा अपना बेटा समझा, अम्मार को भी कभी गैर नहीं समझा, मगर उसकी माँ ने हमसे खुद ही रिश्ते तोड़ दिए। मैं फरजाना भाभी से भी कहूंगी, वो जरूर आएंगे आपसे मिलने। सरीन, जब ख्वाब टूटते हैं ना तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसके वजूद में जान ही ना रही। पापा, जब तक जिंदगी जारी है तो ख्वाबों का सिलसिला भी जारी रहता है। अगर जिंदगी में ये ख्वाहिश पूरी ना हो, उसका ये तो मतलब नहीं कि जिंदगी ही रुक जाती। वो ये से कहना कि मुझे और शर्मीन को माफ कर दे। शर्मीन को बेशक अंदाजा ना, मगर मैं जानती हूं उसने वलीद का बहुत दिल दुखाया। तुम मिलोगी नहीं मुझसे? क्या